क्या तूने उससे नहीं पूछा? नहीं, लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है? देख, मेरे ख्याल से तुझे पूछ लेना चाहिए था। सवाल पूछने में और शक करने में बहुत फर्क होता है। तुझे अभिमन्यु पे यकीन है, अच्छी बात है, पर पूछने में क्या बुराई है? हो सकता है उस लड़की को लेके अभिमन्यु किसी और परेशानी में हो, कम से कम उसके लिए तो पूछना था ना। बाकी मैं तुझे इतना क्यों समझा रही हूँ, तुझे जो करना है कर, मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ। बाय। मुझे पूछना चाहिए भी या नहीं? कहीं अभी किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है? सबकी गाड़ियां हैं, मतलब सब घर पे होंगे। सबको सब कुछ बता देता हूं। सबको सब कुछ बताना ठीक होगा? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि ये हो सकता है? एक बार कह दिया ये नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता। भाई जी, एक बार बात तो सुन लीजिए। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी है। तुम इसकी तरफदारी करना बंद करो भीमन। जब हमने कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता है तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये फैमिली का डिसीजन है और सबको मानना होगा। अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। नो मींस नो एंड दिस इज फाइनल। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? एक तो अनीशा ने मना करके रखा है किसी को भी कुछ भी बताने से। अगर किसी को कुछ बताया तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। सबको पता चलेगा तो सब कैसे रिएक्ट करेंगे? मैंने अक्षु को भी कुछ नहीं बताया, उससे तो बताना जरूरी है। वो वेट करती रही। कुछ हुआ है क्या? बहुत बड़ी बात हुई है जो तुमने छिपाई है मुझसे। अक्षु, क्या हुआ? नाराज हो? सॉरी, मैं ओटी में था ना। देखो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक डॉक्टर है तो ये सब तो आदत डालनी पड़ेगी ना तुम्हें। कहा ना आई एम सॉरी यार, इमरजेंसी थी इसलिए छोड़ के गया, नहीं तो छोड़ के जाता तुम्हें कभी। प्लीज बोलो ना, क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? पूछते हो क्या हुआ है, जिससे तुम्हें पता ही नहीं क्या किया तुमने? अरे बाबा, क्या किया है मैंने? ओटी में था जब तुमने फोन किया था, फोन मेरे पास भी नहीं था। तो इस बात में नाराज होने वाली कौन सी बात है? बहुत बड़ी बात हुई है जो तुमने छिपाई है मुझसे। रंग उड़ गया चेहरे का। उल्लू बनाया मैंने तुम्हें। तुम्हारे उल्लू बनाने के चक्कर में ना तुम्हारे उल्लू की जान निकल जाती। हार्ट अटैक आ जाता मुझे अभी। अरे कुछ भी, ऐसे कैसे हार्ट अटैक आ जाता? तुम्हारा हार्ट मेरे पास है एकदम से। सीरियसली डर गया था मैं, मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ, मेरी वजह से तुम हर्ट हो गई। तुम कभी हर्ट नहीं करना चाहता यार। अच्छा अभी हम एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन हम बातें बिल्कुल भी नहीं करते, मतलब कम करते हैं। हमें ना खूब बात करनी चाहिए, जिससे हम एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा समझ सके। पता है, मन मेरा भी यही करता है। मन करता है कि मैं घंटों तुम्हारे साथ बैठ के सिर्फ बातें करता रहूं। पता, मैं तड़प रहा हूं इस वक्त तुमसे मिलने के लिए। क्या बात है, कोई बात है मन में तुम्हारे? मैं दोबारा फोन करता हूँ प्लीज। पर अभी बाय। क्या है, क्या प्रॉब्लम है? समझ में नहीं आ रहा है, फोन बिजी है, बार-बार बिजी आ रहा है, फिर भी फोन किए जा रही हूँ। करता हूँ ना पलट के फोन। मन्यु प्लीज जल्दी से आ जाओ, आई रियली नीड यू प्लीज। देखो अनीशा, मैं नहीं आ सकता, प्लीज ट्राई। मन्यु प्लीज ऐसा मत बोलो, आई रियली नीड यू, जल्दी से आ जाओ प्लीज मन्यु प्लीज। आता हूँ।
भी परेशान है, मगर ये वो काम वाली परेशानी नहीं है, बात कुछ और है। वो किसी के वजह से परेशान है, कहीं वो उस लड़की के वजह से तो नहीं? क्या उसकी दोस्त है या कलीग या पेशेंट, पता नहीं, पर लग तो ऐसे ही रहा है कि वो उसकी वजह से परेशान है। आई होप सब ठीक हो। ये क्या बकवास है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि जब तुम बुलाओ मैं आ जाऊं। अरे इतना भी नहीं कर सकते मेरे लिए, 2 साल के बाद आई हूं ना मैं। अच्छा तो क्या करूं मैं, नाचूं? अरे यार घर नहीं जा सकते, बाहर तो जा सकते हैं ना, भूख लगी है। पता नहीं उसने देखो क्या हुआ। कुछ नहीं। हाँ बाबा, डायमंड मर्चेंट एसोसिएशन की मीटिंग है, लेट नहीं होऊंगा, पहुंच रहा हूं। कितनी बार याद दिलाओगे, बाय हार्ट हो गया अब तक मुझे। अजीत, अजीत चलो गाड़ी लेके आओ। अजीत ड्राइवर। वो वंश भैया एक गाड़ी लेकर गए हैं और दूसरी गाड़ी के ड्राइवर की अचानक से तबीयत खराब हो गई। आपको बहुत दूर जाना है, आप अकेले ड्राइव नहीं कर पाएंगे। हाँ पहुंच रहा हूँ, बार बार फोन करना बंद करो। कमाल है, कभी अभी मन्नी हूँ बाइक लेके लिफ्ट देने आ जाता है, कभी ये। एंजल टाइम 11। मुझे मेरे बड़े पापा माफ कर दें। थैंक यू। आई लव यू बड़े पापा। आएगा वो दिन जब मेरे बड़े पापा मुझे माफ कर देंगे। सुबह ठीक से बात नहीं हो पाई थी, अभी बहुत जल्दी में था, अभी कॉल करके देखती हूँ, शायद उठा ले। आप जिस नंबर पर कॉल कर रही हैं वो या तो पहुंच से बाहर है या अभी बंद है। फ्रिज कैंप में होगा, कैंप में कॉल करती हूँ। हेलो, डॉक्टर अभिमन्यु है वहाँ? नहीं सर, तो नहीं आया अभी। ओके
रुक्मिणी फिर कहाँ गया? घर पे कॉल कर दिया। हेलो। हेलो आंटी। अक्षरा कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? बेटा वो अभी को लेके सब बहुत परेशान है, पर मैं ना बहुत खुश हूँ कि अब वो अपने प्यार की अहमियत को समझता है और उसे पाने के लिए गंभीर है। और तुम उसके साथ हो ना अक्षरा, तो अब मुझे किसी बात की कोई फिक्र नहीं। सॉरी आंटी, मेरे वजह से ये सब हो रहा है। चुप कर बेटा, खुद को ऐसे दोष मत दो, ये सब कुछ हालात की वजह से है और समय चलते ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा अभी से बात करने के लिए फोन किया? जी अक्षु, मैं तो ना सुबह पूजा में थी, लेकिन पार्थ ने बताया कि वो तो सुबह सुबह ही कैंप के लिए निकल गया। ओके थैंक यू। कैंप तो गया नहीं, फिर अभी है कहाँ? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी। मुझे अंदाजा था इस बात का, बोलो क्या हुआ है? फोन पे नहीं, मिलके करते हैं। ओके कब और कहाँ? कल। एड्रेस मैसेज करता हूँ। ठीक है। नील को कॉल करती हूँ। हेलो, अब तो तुम्हें होने वाली भाभी बोल ही सकता हूँ। एनीवे बोलो। नील अभी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? हाँ भाई, तो एकदम ठीक है। उन्होंने मुझे अभी मैसेज किया और एक लोकेशन भेजी है, मैं बस वहीं के लिए निकल रहा था। इनफैक्ट तुम भी आ जाओ, भाई को सरप्राइज देते। अरे नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगेगा मेरा इस तरह आ जाना। अरे कुछ नहीं होता, तुम आ तो जाओ, मजा आएगा और भाई को भी बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम आओगी तो। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आज शाम 6:10 पर अपने फेवरेट सितारों के साथ लीजिए पप्पा का आशीर्वाद। तो आ रहे हैं ना करने खुशियों का श्री गणेश, आज शाम स्टार प्लस पर।